सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अदर व्लॉग। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और बिल्कुल मजे में होंगे। तो गाइज, आज का व्लॉग कर रहा हूँ मैं गांव से स्टार्ट, और कल थी दादी की छमासी, तो मतलब कल मेरा इग्नू का पेपर भी था, तो उससे मैं छमासी में भी लेट आया, तो मैं सोच रहा था व्लॉग में दिखाऊं करके, पर व्लॉग शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो बड़े पापा, बड़े मम्मी लोग, सभी लोग आए थे, पर किट्टू का स्कूल है, किट्टू मतलब छोटी बहन का, तो आज निकल गए हैं मॉर्निंग में, पापा लोग के साथ चले गए थे, पापा और बड़ी मम्मी, पापा के साथ बड़े पापा और बड़ी मम्मी, तो अभी घर में रुके हैं दादा, तो आपको मिलाते हैं दादा से, और भी मैं और दादा जा रहे हैं रई की तरफ। तो आज का व्लॉग होगा ब्रूम ब्रूम ब्रूम, और दादा की गाड़ी दिखाते हैं आपको, तगड़ी गाड़ी भाई FZ, और साउंड तो इसमें क्या ही है, एग्जॉस्ट ना भाई, हाई लेवल क्वालिटी विथ एक्स्ट्रा ब्रूआ। तो आपको सबसे पहले मिलाते हैं और दिखाते हैं क्या चल रहा है अभी हमारे घर में। तो देखिए क्या दाम। तो ये देखिए, ये हमारी मम्मी हमें दे दिए, पर हमें ये काला धन हम इनको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले लेके आता हूँ हेलमेट, ना ना बुबू जी। तो अभी हम ये रहे हमारे क्यूट से बुबू जी, बुबू जी प्रणाम। तो अभी हम चलते हैं, अरे झूला पीछे वाली चेन तो लगा दो, मेरे हाथ में हेलमेट और कैमरे, कंधे पे मेरा बस्ता, ला 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 इलाही मेरा जी। तो ये हमारे बंदा है, हेलो बंदा, हेलो हेलो मम्मी, आप कैसे हो? बढ़िया, आज बहुत टाइम बाद मम्मी दिख रही होगी, क्योंकि मैं खटीमा गया था, तो उसके बाद मैंने ये घर आके ब्लॉग ही नहीं बनाया। मम्मी आप इधर देखो, और आपको एक दुखद खबर, अभी थोड़ी देर में दुखा, अलग से वीडियो बनाऊंगा उसकी, जो यहाँ पे रहा करती थी, ये देखिए जिसने इतनी निशानी छोड़ी, अभी ज्यादा डीप में नहीं बताना जाता अपने दुखों को, थोड़ी देर में बताऊंगा। तो बड़े भैया क्या कर रहे हैं आप? पोछा मार रहे हैं। ये देखिए, तब तक आप सभी के लिए वो इंटरेस्टिंग और थोड़ा वो रहेगा कि सोचने का विषय। चलो चलो तुम चलो भाई साहब, इसने हेलमेट को भी इतना चमकाया है ना, मम्मी घर का फर्श धुलाना था इससे चमका देता क्यों? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ रही है मम्मी, हर चीज की केयर करनी चाहिए। ये बड़ी की टी शर्ट कहीं प्यारी लग रही है, आप देखो बड़ी बड़ी बड़ी, पोछा मारो चमका दो एकदम। तो पहले आपको दिखाते हैं गाड़ी का एक सिनेमैटिक शॉट, उसके बाद दिखाएंगे और सब चीज। सो गाइस, अब हमने कुछ ले लिया, कुछ सिनेमैटिक शॉट, अब मैं और दा चलते हैं रई की तरफ। तो देखो आप, आजकल नदी बढ़िया साफ हो रही है, कोई अगर नहाने आना चाहता है तो जरूर आए विजिट करे। ये तो क्रॉक्स के साथ चलते हैं मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पे से अब है कच्ची रोड का लास्ट, और अभी हम पहुंच जाएंगे मेन रोड में, दिखाते हैं। आजकल तो तभी भी रोड एक साफ हो रही है भाई साहब, बीच में तो इतनी बेकार है। तो ये रहा हमारा प्यारा सा गांव पीछे, तो
सो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं भौड़ी और यहाँ पे सब पंडित लोग रहते हैं और मतलब फुल एरिया ही वही है पंडित लोगों का और बहुत बढ़िया जगह है भाई, प्लीज़ विजिट करें और हमारे गांव भी पक्का विजिट करें अगर कभी भी आपको टाइम मिले या घूमने के लिए आए तो। फालेक और मतलब मेन फालेक से थोड़ा अंदर है, बितरानी नाम कहते हैं, तो एक बार पक्का विजिट करें। सो गाइस जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं आज मौसम कितना तगड़ा और लाजवाब हो गया और बाकी हम निकले हैं बाइक राइड पे, तो मौसम को तो तगड़ा होना ही था और आज की राइड बहुत ही खास रहने वाली है क्योंकि आज मेरी राइड में आए मेरा बडी मेरे साथ में और इसकी आईडी मैं इंस्टाग्राम दे दूंगा, जो भी फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं मेरे ब्रो को। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बजेड़ और बजेड़ के यहाँ पे बहुत तगड़ा मंदिर है कैलपाल बाबा का, जो कि आप ये पेड़ देख पा रहे होंगे इसके नीचे पे है और जय हो कैलपाल बाबा। और यहाँ से स्टार्ट जाती है बजेड़ और बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है यार भाई, कहीं भी जाओ पहाड़ों में सब जगह बढ़िया ही है, ए टू जेड कहीं भी विजिट करो, पर अपने गाँव की बात ही अलग है भाई, दूर दूर से लोग आए रहते हैं पता है गर्मियों के टाइम पे। और ये बजेड़ की कुछ छोटी सी मार्केट है और मार्केट एरिया है, यहाँ पे थोड़ी बहुत छोटी मोटी दुकानें हैं पर ज़रूरत का सामान जो भी चाहिए होगा सब मिल जाता है। और इधर साइड पे पर एक चीज़ फेमस है भाई, लोकल की जितनी कमांडर होंगी ना आधी से आज सब यहीं की होंगी क्योंकि बहुत फेमस है और पुराने टाइम से मतलब सब लोग इधर गाड़ियाँ चलाते हैं और बहुत तगड़ा है भाई देखो आप। गाइस अभी तक तो हमें मिली थी सिंगल रोड, वैसे ये भी सिंगल रोड ही है पर पीछे पे उतना मतलब गाड़ी चलाने के लिए पानी, तो यहाँ पे देखते हैं हमारी गाड़ी की कहाँ तक है। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं सात सिलिंग और यहाँ पे है चौकी, तो अभी हमने पहनने पड़ेंगे हेलमेट, तो वैसे हेलमेट खुद की सेफ्टी के लिए यार, मतलब पुलिस वालों के लिए क्या चालान के उससे डरते नहीं, खुद के उससे होना चाहिए। और बाकी देखो आप, वैसे आपको राइड में मज़ा तो आ ही रहा होगा और बढ़िया नेचर और व्यू के मज़े लो आप भाई, इतना अच्छा ब्लॉगर कहीं दिखेगा आपको डेली, मतलब पिथौरागढ़ के इतने तगड़े तगड़े व्यू दिखाता हूँ तभी भी आप इतनी कंजूसी कर रहे हो लाइक और शेयर करने में, तो थोड़ा दबा के लाइक शेयर करो तभी थोड़ा हौसला भी बढ़ेगा मेरा। सो गाइस अभी हम जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे पहुंच चुके हैं पुलिस चौकी, यहाँ पे छोटी पुलिस चौकी है जो इससे ऊपर को रोड जाते हुए दिखती है, यहाँ पे मेन चौकी और ये जो ऊपर को रास्ता जाता है ये जाता है लछेर साइड को और कनेलचिना वाला भी यही रास्ता है, तो देख सकते हैं आप कभी भी अगर आप जाएंगे तो मेरा ब्लॉग देख के जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि मतलब इन्हें दिखाया था तो इनके गाँव का रास्ता यहाँ से था, देखा कितनी मदद करता हूँ मैं आपकी। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जाजर देवल और ये है जाजर देवल की मेन मार्केट, तो भाई मार्केट आते आते हमारे गांव से दो या तीन मतलब मेन मेन जगह पड़ती है और अच्छी खासी मार्केट है उधर पे, फर्स्ट तो आपने देखी बजेड़ के यहाँ पे, दूसरी ये देखिए आप जाजर देवल के यहाँ पे और ये है जाजर देवल का कमांडर स्टेशन, यहाँ पे खड़ी रहती है सारी कमांडर जिनको मार्केट जाना होता है, इनमें पैसेंजर गाड़ियां हुई। तो गाइस जैसे ही हम जाट चल के थोड़ा आगे आएंगे हमें मिलेगा यहाँ पे पंडा धारा इसके नीचे पे और इस लोकल एरिया को पंडा कहते हैं और इसके पीछे पे भाई ये जो नीचे पे दिख रहा है शोर कैफे करके कैफे, कभी टाइम मिला तो पक्का विजिट करूँगा और मतलब आपको दिखाऊंगा
बहुत तगड़ा है भाई, वुडन आर्ट वर्क के साथ इतनी तगड़ी फिनिशिंग है ना, और बहुत तगड़ा व्यू आता है भाई वहाँ से भी ना। और पिथौरागढ़ में आजकल तो हाल ही में बहुत सारे नए नए कैफे खुले हैं और बहुत मस्त है यार कसम से। आज तो मेरे को टाइम नहीं हो पाता है ना, वरना मैं आपको कम से कम 10 कैफे तो ऐसे घुमा दूँ ना, फैन हो जाओगे। ओ भाई साहब ये देखो विप्रो ने कैसी कट मारी है अभी। थोड़ा एक और गाड़ी हाँ बस पे, और ये देखिए आप थोड़ा ही दूर है भाई हम अपनी मंजिल रही से। ये असली साउंड वाली गाड़ी का और दिखेगा और गाइज ये देखो अभी हम जा रहे थे और हमें दिखे एक हैवी ड्राइवर जो ब्रेक लगाने के लिए भी, भाई देखो गाड़ी में ब्रेक नहीं है शायद, पिछले वाले बंदे को कह रहेगी तो पैर टेक तब रुकेगी गाड़ी, ये देखो आप। और तीन तीन लोग जा रहे हैं और दो जनों ने हेलमेट ही नहीं पहने हैं पीछे। तो गाइज इनका चलाना आप देख ही पा रहे होंगे, इनका चलाना देख के हमें डर लग रही है कि कहीं इनके उससे हमारे एक्सीडेंट ना हो जाए भाई। और ये देखो आप कितने क्लोज आ गए हमारे बिल्कुल भाई साहब, पता नहीं पीछे चल रहा है क्या चल रहा है, इतना रॉन्ग चलने में पड़ा है ना कब से। तो भाई साहब ये देखो भाई इन्हें हमारे हैंडल बार को टच किया अपनी गाड़ी से, देखो कितना रॉन्ग चलने में, फर्स्ट से कहने में था भाई साहब, देख ही पा रहे होंगे आप वीडियो में, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं यार। तो गाइस जो भी मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, ड्राइव सेफ और जितना हो सके भाई सेफ रहिए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रही, तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, मज़ा आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो बाय बाय।